नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न 5 करने जा रहे हैं। बच्चों, इसका प्रथम भाग है। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो बच्चों, हमें इसमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट साइड जो है वह राइट साइड के बराबर है। ये इसका प्रथम भाग है। कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चा, जब भी आपको ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें एक तरफ कॉस या साइन दिया हो और दूसरी तरफ कोसिकेंट, कॉट, टैन या सिकेंट दिया हो, तो इसमें इनको बराबर करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, हर एक चीज को तोड़कर साइन और कॉस में बदलो। हर एक चीज को तोड़कर साइन और कॉस में बदलो। तोड़कर का मतलब देखिए क्या है, तोड़ने का मतलब कागज नहीं फाड़ना है, तोड़ने का मतलब देखिए क्या है। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, जो कि है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कई बार हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और राइट साइड तक पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ही हमें हल करना होगा, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखिए, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, तो यानी कि इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा को साइन थीटा से भाग किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग किया 1, 1 इंटू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऊपर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैंने ऊपर वाली रकम का स्क्वायर अलग से लिख दिया है, नीचे वाली जो है साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों, हमने सरल समीका की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए, इसमें ऊपर वाली रकम को ऐसे ही रखना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ प्लस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ये बन गया 1 का मतलब है 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही होता है। अब ये बन गया है, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। अब देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस ब्रैकेट को इसी ब्रैकेट से गुना कर दो, यही होता है इस ब्रैकेट के स्क्वायर का मतलब, बटा नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा वाली पूरी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगी। बच्चों पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कटनी है, कई बच्चे 1 से 1 काटते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा, जो कि गलत है। 1 माइनस कॉस थीटा वाली ब्रैकेट से पूरी की पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कटेगी और हमारे पास बच गया, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा बटा नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यही है हमारी राइट हैंड साइड, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमने अपना प्रश्न लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था और हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के
बराबर है। तो हम लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर सिद्ध हो गई। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।